नगरी शिल्पग्राम में क्राफ्ट म्यूजियम और कल्चर का संगम हुनर हाट मेला शहरवासियों को खूब लुभा रहा है। भारत सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा आयोजित 41वें हुनर हाट की सुंदरता व्यवस्था हुनर हाट के मंच पर एक से एक बढ़कर कार्यक्रम और बच्चों और युवाओं का मनोरंजन करते छोटे बड़े कलाकार आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और ताज नगरी शिल्पग्राम वैसे तो ताज महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन भारत सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा आयोजित शिल्पग्राम में 41वें हुनर हाट मेले की प्रशंसा चौतरफा हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि शिल्पकारों और कामगारों को मदद देने के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय उनको आर्थिक मदद दे रहा है। चलिए जान लेते हैं आखिर क्या कहना है शिल्पकारों और कामगारों का। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? कहाँ आपने स्टॉल लगाई? आगरा। कौन सा मेला है ये? हुनर हाट। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ अगर बात करें तो? किसे पहले भी आपने स्टॉल लगाई है? क्या सुविधाएं मिलती है भारत सरकार द्वारा? भारत सरकार द्वारा से बहुत सारी सुविधा मिलती है, टीएडीए मिलता है, यहाँ पे फंड दिया जाता है स्टॉल में। अच्छा, इससे पहले कहीं ताज महोत्सव में भी लगाया था स्टॉल? ताज महोत्सव का नाम सुना आपने? लगाई नहीं है पहली बार। हुनर हाट में कितनी बार लगा चुके हैं? किस तरह का फायदा होता है आपको? फायदे के लिए बढ़िया रहता है। सरकार के लिए कहना चाहोगे? तो मदद मिल रही है, फायदा हो रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? हम लोग मऊजिला से। क्या लगा है कहाँ? ये जो आप स्टॉल लगाते हैं कई अन्य जगह लगाते हैं या पहली बार हुनर हाट में लगाते हैं? भारत सरकार द्वारा लगाया गया। क्या मदद मिल रही है आप लोगों को? बहुत बढ़िया मदद मिल रही है। इस तरह की मदद है तो जैसे कि इसमें यहाँ एंट्री नहीं लग रहा और दूसरे प्लस 12,000 का मैं मिलना भी है। 12,000 रुपये कितने दिन मिला? चाहे 10 दिन हो चाहे 12 दिन, जितने दिन मेला रहेगा उसमें 12,000। खाने पीने के लिए? हाँ, खाने पीने को एक खर्चा मिल जाता है। अच्छा, रहने के लिए कुछ व्यवस्था की गई है? रहने के लिए हम स्टोर में भी रह सकते हैं, मगर वैसे कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा है, एडी करते हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे क्राउड बहुत अच्छा आता है और हम लोग हुनर हाट में कितनी बार आप यहाँ स्टॉल लगा चुके हैं? हुनर हाट लगभग 4-5 बार। किस तरह की व्यवस्था रहती है? जिससे आयोजन बहुत अच्छी होती है, साफ सफाई से लेकर मेंटेनेंस से लेकर हर स्टाफ भी अच्छा है यहाँ का और हर तरह से मदद करते हैं और करते जैसे साफ सफाई बहुत अच्छी होती है, गाँव में फैसिलिटीज है वो लगभग। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहेंगे कि ऐसे ही हर जगह इसको हैंडीक्राफ्ट का बढ़ावा दें और जैसे भी कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं और जैसे कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, जितने भी कार्य करेंगे। अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित हुनर हाट मेला कामगारों और शिल्पकारों के लिए संजीवनी साबित होता नजर आ रहा है। हुनर हाट मेले में आने वाले पर्यटक और दर्शक खासे उत्साहित और प्रभावित हैं। हुनर हाट में आए आगरा शहरवासियों का कहना है कि हुनर हाट ताज महोत्सव से कई गुना अच्छा है, इस तरह के आयोजन हर साल होते रहने चाहिए और ऐसा हमारे आगरा में बार बार हो तो बहुत अच्छा है और यहाँ के कार्यक्रम को भी प्रमोशन मिलता है आगे, मतलब अच्छा करेंगे और अच्छा, और ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन जिस तरह से ताज महोत्सव यहाँ लगता है तो ताज महोत्सव के कंपेटिव ताज महोत्सव से बेटर है, यहाँ बहुत साफ सफाई है एंड जितना मतलब स्टॉल्स पे भी इन लोगों को देखा पड़े अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ये उस ताज महोत्सव से काफी बेटर है। से आए मेड इन इंडिया है, सब अच्छा है, बहुत ले रहे हैं। ताज महोत्सव की अपेक्षा अगर हम बात करें ताज महोत्सव यहाँ लगता है बहुत ज्यादा अच्छा है, सफाई भी बहुत अच्छी है। किस तरह के सामान यहाँ मिल रहे हैं? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के मेले के लिए?
बस हर साल लगना चाहिए और क्या। दिनांक 25 मई दिन बुधवार की शाम हुनर हाट के मुक्ताकाशीय मंच पर सिंगर भूमिका मलिक, रितेश मिश्रा और गजल गायक पंकज दास की प्रस्तुति ने दिल को छू लिया और सिंगर भूमिका मलिक और रितेश मिश्रा के गानों पर युवा झूम उठे। क्राफ्ट म्यूजियम और कल्चर का संगम हुनर हाट आगरा के ताज महोत्सव को फील करता नजर आ रहा है। जी हाँ, यहाँ जो शिल्पकार आए हैं, जो कामगार आए हैं, उनका कहना है कि जो मोदी जी द्वारा जो चलाया गया अभियान है, अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा हुनर हाट जो लगाया जा रहा है, उसमें कामगारों और शिल्पकारों को पूरी मदद मिल रही है और ये महोत्सव इसी तरह लगता रहना चाहिए। यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत दुरुस्त है, साफ सुथरा माहौल है। यहाँ आने वाले पर्यटकों का और दर्शकों का कहना है कि ताज महोत्सव से बेहतर साबित हो रहा है। इस तरह के मेले बच्चों के लिए, परिवारों के लिए बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आना, अगर ताज महोत्सव की बात करें तो ताज महोत्सव में जो कार्यक्रम होते हैं उससे कहीं बेहतर इस हुनर हाट में देखने को मिल रहे हैं। अब ये कार्यक्रम हुनर हाट आगरा में अनवरत लगता रहेगा या फिर ये 41वां हुनर हाट लग के फिर इसका इंतजार लंबा करना पड़ेगा। 7 न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ।